सूबाई काबीना ने पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। अवाम को रिलीफ देने पर सूबाई काबीना का वज़ीर आला मरियम नवाज़ को खराज तहसीन। काबीना ने पंजाब ज़कात व अशर को काउंसिल तश्कील और नई बैतुल माल काउंसिल के क्याम की भी मंजूरी दी। अलशिफा हस्पताल को सरकारी अराजी लीज पर देने की भी मंजूरी दे दी गई। बिजली में बिल में रिलीफ का क्रेडिट नवाज शरीफ को ही मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रिलीफ की मत में बहुत मदद की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, आवाम को बिजली के बिल में रिलीफ पर मुखालफीन को होने वाली परेशानी से हैरानी हुई। बिजली में रिलीफ लोगों पर एहसान नहीं, इनका हक है। जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अगली गर्मियों में बिजली के बिल में रिलीफ देने के लिए काम भी शुरू है। सेक्रेटरी फूड पंजाब मौज़म इकबाल सिपरा को अहदे से हटा दिया गया। मौज़म इकबाल सिपरा को SNGAD रिपोर्ट करने की हदायत। सेक्रेटरी एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट पंजाब एहसान भुट्टा को सेक्रेटरी फूड का इजाफी चार्ज तौफीस। कैन कमिश्नर पंजाब अब्दुल राउफ को भी अहदे से हटा दिया गया। शुएब जदून को कैन कमिश्नर पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कच्चे के इलाके में पुलिस मुलाजमीन का मोराल बढ़ाने के लिए खसूसी अलाउंस देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक खसूसी अलाउंस की समरी महकमे खजाना पंजाब को मौसूल होगी। इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और हवलदारों को अलाउंस दिया जाएगा। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन कराने वाले मुलाजमीन मुश्किल से दो चार हैं। जिसने मुझे गिरफ्तार किया इसके लिए तैयारी कर ली। बादामी बाग में रहने वाले एक माह में काम तमाम कर दूंगा। एहसन शाह की बीवी ने फ़ोन पर मुबैना गुफ्तगू पुलिस के मुकाबले में वाजे कर दी। ज़राए के मुताबिक कोट लखपत जेल से एहसन शाह फ़ोन पर बीवी से गुफ्तगू करता था। एहसन शाह की जेल से की जाने वाली कॉल रिकॉर्ड की जाती थी। एहसन शाह ने गुफ्तगू में जेल से बाहर आने की एक माह बाद सऊदी अरब जाने का जिक्र किया। और पेंशन रूल्स को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने पेंशन रूल्स का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेंशन पेपर्स के बजाय अब ई पेंशन पेपर्स का अल्फाज इस्तेमाल किया जाएगा। दरख्वास्त भी डिजिटलाइज कर दी गई। मेडिकल सर्टिफिकेट को भी ई मेडिकल सर्टिफिकेट लिखा जाएगा। पंजाब हुकूमत ने पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 में तरमीम कर दी।